खरगोन जिले ग्राम मोन में एक युवती की रहस्यमय मौत का मामला सामने आया है। वही लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। ऊन में आज का दिन चर्चाओं से भरा रहा। दरअसल शुक्रवार की देर शाम छोटी ऊन के कुछ लोग ऊन थाने पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके गाँव की बेटी की हत्या हो गई है, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू हुई। जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व ऊन खुर्द से एक परिवार द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब उनके परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। शनिवार की सुबह इस मामले ने नया मोड़ लिया और निसरपुर कुक्षी के पास लाश फेंके जाने की बात सामने आई है। पुलिस द्वारा निसरपुर नर्मदा पुल पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लाश की तलाश जारी है। खरगोन ब्यूरो से दिनेश जसुंदी की रिपोर्ट। इस मामले में, इस पूरे मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची की हत्या हुई है। कल यहाँ इनके परिवार वाले जो हैं, बालिका ममता के परिवार वाले थाने पे भी गए थे। इस मामले को लेकर पूरी जानकारी उनकी बहन से लेते हैं। क्या नाम आपका? कविता चौहान। क्या, किस तरह का मामला हुआ है? ये राहुल वर्मा, पिता दशरथ वर्मा, ये मेरी बहन को घर से अगवा करके ले गए। 4-5 महीने उसने उसके साथ गलत संबंध बनाए। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके पूरे परिवार ने मिलके मेरी बहन की हत्या कर दी और इस मामले को पूरा रफा दफा लगाने के लिए लाश को वहाँ निसरपुर पुल के ऊपर से नीचे डाल दिया और अभी तक कोई से कोई खबर नहीं आ रही है। क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, हमको कुछ भी नहीं पता। और पुलिस बिल्कुल, मतलब बेटी है कुर्सी लगा के, उनको तो मतलब क्या पूरे पैसे पेट भर के दे दिए थे। इनको कोई इस मामले से कोई मतलब नहीं है क्या? ये तो मतलब ऐसा चाहते हैं कि बस ये 2-3 दिन में काम मतलब ठंडा पड़ जाए, तो इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आज तो मेरी बहन है, कल तुम्हारी बहन भी आएगी, तुम्हारी बेटी भी आएगी, है? तो ये मतलब इतना बड़ा केस आज ऐसे कैसे, मतलब हम कल 4 बजे से थाने पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं, पर कोई एक पुलिस वाला इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डबल से गए, जब जाके उन्होंने और थोड़ा सा बस गए, देखा तो कहीं नहीं, मतलब नहीं है, कोई नहीं जा रहा है, कहीं नहीं कर रहा है हमारी। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, आगे और क्या जानकारी आपको मिली इस मामले में? पुलिस बिल्कुल भी नहीं जान, मतलब हमारा साथ नहीं दे रही है। रात को 11:30 बजे रात को फोन लगा के बोलती है कि तुम 2 लेडीज आओ, 3 जेंट्स आओ, अपन बड़वानी चलेंगे, वहाँ पे ढूंढने चलेंगे। तो हम क्यों बड़वानी जाएं, क्यों ढूंढे भाई? ये लोग वहाँ ले गए क्या, वो ये ढूंढे, इनका काम है, पुलिस का काम है, हमारा थोड़ी काम है। अच्छा, जैसे आपको कैसे पता लगा कि इस तरह की वारदात हुई, इस तरह की घटना हुई, आपको कैसे मालूम पड़ा? हमारे घर 2 अज्ञात लोग आए, उन्होंने हमको सूचना दी कि आप अभी के अभी जाओ, वहाँ ऐसा कैसा हुआ है, आप नहीं थोड़ी देर बाद नहीं जाओगे तो अभी मतलब वहाँ से बिल्कुल सफाया कर देंगे, वहाँ तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप तत्काल में जाओगे तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आप जैसे गए तो आपने सबसे पहले क्या किया, कहाँ गए सबसे पहले? मैं तो बाद में आई, मेरे पापा गए थे क्या, तो वहाँ गए तो पुलिस वालों को सूचना दी, तो बस सूचना। आपने पुलिस को सूचना कितनी बजे दे दी थी? पुलिस को सूचना 5 बजे क्या, पुलिस को सूचना 5 बजे मिल गई थी। उसके बाद भी बस सूचना करके आए, वो तो अपना अपना काम कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है क्या। उसके बाद फिर हम और दोबारा गए क्या, जब जाके और इधर उधर से फोन लगाए करा, जब जाके वहाँ ताला खुलवाया, देखा तो वो रूम में कुछ भी नहीं है क्या, सब पूरा सफाया कराए, नहीं उसके कपड़े हैं, नहीं उसके कई कुछ सामान है, बिस्तर है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने पूरी प्लानिंग से मर्डर करके न उसको रफा दफा लगाने के लिए निसरपुर पुल के नीचे से उसको नीचे फेंक दिया है ऊपर से। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि इन लोगों को सबको फांसी मिले क्या, सबको आजीवन सजा मिले क्या। राहुल वर्मा बड़ी उनका रहने वाला है, इसको हम चाहते हैं कि हमारी छोरी को, इसके पूरे परिवार ने साजिश रची और मेरी बहन की हत्या करी है, पूरे परिवार को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आप आगे क्या रहेगा, आपका रुख क्या रहेगा इस मामले को लेकर के, क्या है? मेरे साथ तो मेरा पूरा गांव है, अभी हमें एक आवाज उठाओ तो मेरा गांव पूरा साथ मेरे चलने को तैयार है न, वो तो न्याय दिलाएंगे क्या। हम तो सरकारी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे इधर उधर पैसे वैसे खाने का काम नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं बालिका की हत्या हुई है। वहीं पुलिस को दिए बयान में आरोपियों का कहना है कि स्वयं ने फांसी लगाई, उसके बाद वहां छोड़ के आए। कहीं ना कहीं इसमें लेकर के संशय की स्थितियां बन रही है। परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय मिले, उनका कहना है कि सीधे फांसी दी जाए, हालांकि कानूनी है कार्रवाई और इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस को भी
संदेह के घेरे में खड़ा किया है। इनका कहना है कि पुलिस भी इनका साथ नहीं दे रही है। ये पूरी घटना को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें अभी भी संशय की स्थितियां बनी हुई हैं, जिसकी जांच होना भी बाकी है और पुलिस अभी इसकी जांच में जुटी हुई है। जैसा कि पुलिस थाना प्रभारी जो हैं उनसे मैंने जब फोनों पर बात की तो उन्होंने बताया कि निशरपुर के अंदर जो है जिस घटनास्थल जो बताया गया है जहाँ पे लाश फेंकी गई उस वहाँ पे अभी जांच जारी है और शव को बरामद किया जा रहा है। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद स्थितियाँ स्पष्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार न्याय को तरस रहा है, वो चाहता है कि उन्हें न्याय मिले और न्याय के लिए वो संघर्ष करने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले में हमने फोन किया ही, थाना प्रभारी से भी बातचीत की, जो कि अभी फिलहाल निशरपुर में सर्चिंग पे गए हुए हैं, लाश को ढूंढा जा रहा है। उन्होंने फोनों पर क्या कुछ कहा, हमारे मोबाइल पर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। सर, एक मामला भी आया है कुछ लाश को लेकर के, मौत को लेकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। किस तरह का मामला है? सुरात की महिला। अच्छा। और अपने राहुल नाम का एक लड़का है, राहुल वर्मा नाम का लड़का, वो पहले से शादीशुदा है। ये लड़की इसके पास आके रह रही थी, शादीशुदा थी, अपने पति को छोड़ के इसके पास आ गई। अच्छा। तो हमको कल सूचना मिली कि लड़की के पिताजी ने बोला कि सर मेरी बेटी के साथ कोई घटना हुई है, वो है नहीं। फिर राहुल को बुलवा के हमने पूछताछ करी पत्ती से थोड़ा सा, तो उसने बोला सर अपने फांसी लगा ली थी और हम डर गए थे कि यार हम फंस जाएंगे, तो इसलिए मैं और मेरा चीजन विशाल वर्मा है जी, दोनों एक गाड़ी से उसको निशरपुर के पास नदी में फेंका है। अच्छा। तो सर अभी सचिन ऑपरेशन चल रहा है, तो लाश वगैरह कुछ बरामद हुई है? नहीं, अभी तो बरामद नहीं हुई, कुछ मतलब चल रही है सर्चिंग, है ना, वो गहराई है बहुत। और कल शाम को ही फेंकी है, 7 बजे 7-8 बजे के बीच में कल शाम को, तो अभी वो ढूंढ ही रहे हैं या तो फिर वो फूल के वापस आएगी ऊपर। अच्छा, जैसे आरोपियों ने सर कबूल किया है, तो कितने बजे का मामला है, फांसी कितनी बजे लगी है, सब कुछ बताया सर? 8 बजे के लगभग वो बोल रहा है कि मैं घर गया था मेरे, तब वो उसको फांसी उसने लगा ली। अच्छा। तो मतलब इनका कहना ये है कि स्वयं ने फांसी लगाई। ऐसा कहना है, वो तो भी मिलेगी और डीएम को उसके बाद ही पता चलेगा कि फांसी की लगेगी। सर क्या नाम, क्या नाम क्या था? थाना प्रभारी जी, धन्यवाद। इस विशेष रिपोर्ट में हमने जानने का प्रयास किया कि क्या सच्चाई है और आगे भी हम इसके साथ जुड़े रहेंगे और आगे की इस मामले को लेकर आगे के अपडेट के लिए देखते रहे SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। और मुझे अपने कैमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ इजाजत दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।